कहा गया। दुख महसूस किया। क्या कहता है तुम्हारा कानून, कुछ कर सकता है इस बारे में? क्यों नहीं कर सकता है। अगर कोई लड़की किसी आदमी को पसंद नहीं करती तो उसकी जबरदस्ती शादी नहीं की जा सकती। अगर माहीन शादी से इनकार कर दे, मुझसे रास्ता करे, तो उसकी वालदा चाहे जितना भी प्रेशर डाले, इसकी शादी जबरदस्ती उस मौलवी के साथ नहीं की जा सकती। नहीं नहीं, कोर्ट कचहरी पर बिल्कुल भी नहीं। तो सर ने मुझे कहा तो मैंने आपको अपनी कहानी सुना दी, अदरवाइज मैं तो रेडी हूं, जहां अम्मी कहेंगी वहां शादी कर। क्या मतलब, तुम उस मौलवी से शादी कर लोगी? सर बाज बाबा जिंदगी आपको एक ही रास्ता देती है, कोई चॉइस नहीं देती। मुझे लगता है कि मैं भी एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो गई हूं जहां शायद रास्ता सिर्फ मौलवी साहब का ही है। सर चले, बहुत देर हो गई है। अरे हाँ, बातों में वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ पापा, कहो। आई डोंट नो पापा, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि और कुछ हो भी नहीं सकता। मामा एक बात तो बताइए। हाँ पूछो। इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना? मेरे बेटे ने मेहनत ही इतनी की है, ये कैसे हो सकता है? मेरे बेटे को वो कलर क्या, हाँ वो जरूर लगेगा। अरे मामा, मैं उस सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो फिर आप किस सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? मैं उस सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ जो कि मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है, और अगर मैं वहां सिलेक्ट हो गया ना तो बाकी सारी सिलेक्शन मान पड़ जाएंगे मेरे लिए। एमन की बात कर रहे हो? तो मामा बताइए ना, मुझे मोहब्बत का ये कलर लगेगा कि नहीं? मुझे बहुत उम्मीद है बेटा, अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरे बेटे की सारी दिली मुरादें पूरी होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पता है मामा मैं क्या सोचता हूँ? जब मैं पाकिस्तानी टीम में खेल रहा हूँ ग्राउंड हो लॉर्ड्स का, और मैं पहली सेंचुरी स्कोर करूँ तो क्राउड में मुझे सामने एमन भी बैठी हुई नजर आई, प्यारी सी ग्लासेस पहनी है, और जैसे जैसे मैं एक बड़ा प्लेयर बनता जाऊं एमन हर कदम में मेरे साथ हो। हम इकट्ठे दुनिया के मतलब ग्राउंड पे जाएं, कभी ऑस्ट्रेलिया कभी साउथ अफ्रीका, वहां जाएं और मैं हर मैच में सेंचुरी स्कोर करूं और हर मैच में एमन मेरे सामने मुझे नजर आए। सो ग्रेट मामा, जबरदस्त। और हाँ, फिर जब मैं टीम का कैप्टन, अरे मामा कैप्टन भी तो बनूंगा टीम का, कैप्टन बनूंगा तो हर इंटरव्यू में मेरे साथ एमन होगी। तो
मैं नीचे तुम्हें ढूंढूंगी। अच्छा? तुमसे बात करनी थी मुझे। जी मम्मी कहिए, क्या बात है? खैरियत तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है। अतिया ने तुम्हारे लिए पैगाम दिया है असद का। मैंने सोचा मैं शर्जील से बात करने से पहले तुमसे पूछ लूं, हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल एतराज नहीं करोगे, है ना? क्या हुआ इमन, तुम परेशान हो गई हो? मैं परेशान इसलिए हो गई हूँ मनी कि आपकी राय सही नहीं है, कि मुझे कोई एतराज नहीं होगा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तो? मम्मी अगर आप कुछ अर्से पहले मेरी राय पूछती मुझसे तो शायद मुझे एतराज ना होता, लेकिन अब क्या? अब साफ साफ बात करो एमन, तुम बहेलिया क्यों बुझवा रही हो? मम्मी असद एक बहुत अच्छा लड़का है, कोई भी लड़की उसके साथ शादी करके बहुत खुश रह सकती है, लेकिन मैं असद से शादी नहीं कर सकती। क्यों? तो मुझे कोई अच्छा लगने लगा है, मामा मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहन नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। तुम लोगों ने मुझसे मेरी मामा छीन ली, मेरी मामा की रिस्पेक्ट छीन ली, हर चीज छीन ली, लेकिन मैं सैन को नहीं छीनने दूंगी, क्योंकि जैन मेरा है, सिर्फ मेरा। ये कब हुआ, कैसे? कुछ पता ही नहीं चला मामा, कुछ पता नहीं चला। कब आंखों के जरिए दिल में उतर कर घर कर गया वो, पता ही नहीं चला। और अब तो मेरे दिल में दाखिल होने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स रहता है वहां, और उसका नाम है जैन। लेकिन अत्या को क्या जवाब दूंगी? I'm sorry mom, लेकिन हार की खबर किसी ना किसी को तो देनी ही होती है। नसीब बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं है लोगों से आपकी और अपनी एक एक हसरत, एक एक खलिश का हिसाब लूंगी। मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी, मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी। अब इस घर का मुकद्दर सिर्फ बिखरना है, सिर्फ बिखरना है मम। इन लोगों ने आपकी बेटी को बहुत अजियत दी, आपका बहुत अजियत। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी,
माहीम को किस तरह से देखता? क्या मतलब किस तरह? मेरा मतलब है कि इतनी लिफ्ट तुम मुझे नहीं कराता जितना अपने ऑफिस के इस वर्कर को कराता। खुदा का वास्ता, ये शक्ति मिजाज औरतों की तरह सोचना छोड़ दे। तुझे मालूम है कि मैं इस किस्म का आदमी नहीं। ये मुझे मालूम है कि तुझमें और हजार ऐप हो सकते हैं लेकिन ये अब नहीं है। फिर तू उसे सिर्फ पर्सनल सेफ्टी की नजर से देखता है? हाँ, ऑफ कोर्स। किससे झूठ बोल रहा है, मुझसे या अपने आप से? ना मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ ना ही अपने आप से। वो एक पर्सनल सेक्रेटरी है, बस दैट्स इट। तू उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों? अरे कैसी बातें कर रहा है। दिन में 10 घंटे हम दोनों साथ रहते हैं। मुझे मालूम है कि वो परेशान है। मैं उसको डिक्टेशन देता हूँ, कहता कुछ हूँ, लिखती कुछ और। उसको रिलैक्स करने के लिए अगर दो फोन अच्छे तरीके से उससे बात कर लेता हूँ तो उसमें ऐसी वैसी कौन सी बात है? मैं कह रहा हूँ कि ऐसी वैसी बात है, लेकिन ऐसी वैसी बात हो तो सकती है ना। प्लीज, पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया। बिल्कुल ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात है कि वो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अच्छी लगती है और उसके मेरे दरमियान एक मेंटल कंपैटिबिलिटी है। मैं उसको समझता हूँ, वो मुझे समझती है। दैट्स इट। समझ ले सुजीत, कि तेरी ये ज़हनी अमांगी ऑफिस से निकल कर तेरे बेडरूम के गुलदान में न सजे। तुम क्या कह रही हो सायरा? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं ये बात तुमसे कैसे करूं। फिर मैंने फैसला किया जो जो सही और सच बात है वही बता दूंगी। मेरा बेटा तो बिल्कुल टूट जाएगा। तुम उसे ये मत बताना कि एमन जैन को पसंद करने लगी है। तो फिर क्या कहूं? तुम कह देना शर्जील नहीं मान रहे, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा ना। हाँ, पता तो उसे चल ही जाएगा, लेकिन दुख के दिन को हम जितना दूर कर सकें इतना तो तुम करोगे ना अपने बेटे के लिए। तुम यकीन करो क्या, मुझे असद उतना ही अजीज है जितनी के एमन और वकास। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने बेटे के दिल की धड़कन को तब्दील नहीं कर सकती। शख्स को हर बात पता होनी चाहिए। मेरी मामा के माजी को दावदार कहने वालों को अपने प्यारों के माजी का भी दिल होना चाहिए। हाँ, यहाँ वो आंटी मैं वो हसन अंकल आपका इंतजार कर रहे जी। वो तो भी शायद बाहर गए। अच्छा, वो जैन कह रहा था कि हसन अंकल ने आपसे कोई बात करनी है। मैंने कहा कि मैं याद नहीं। अच्छा, शायद कोई बात करनी होगी। मैं
जस्ट होल्ड, बताओ तो कितना अर्सा लगेगा बेटे से ये बनाने में? बाबा जैसी शक्ल होगी उतना ही टाइम लगेगा। मूव नहीं करो फिर बाद में मुझे ना कहना कि मेरी तस्वीर खराब होगी। मूव नहीं करूंगी तो पूछूंगी कैसे कि मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि उस पर इतना ज्यादा टाइम लगेगा? मैंने ये कब कहा कि तुम बुरी शक्ल या बुरी शक्ल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? क्यों, तुमने कहा नहीं कि जैसा चेहरा होगा वैसे टाइम लगेगा? हाँ भाई, अच्छी शक्ल बनाने के लिए भी टाइम तो लगता है, और वो कहते हैं ना कि अल्लाह जब भी कोई अच्छी शक्ल बनाता है तो फुर्सत में बनाता है। मुसव्वर बेचारों को भी टाइम लगता है अच्छी शक्ल बनाने में। वैन, तुम कितने चालाक हो, एक सेकंड में बात को बदल लिया। अच्छा बाबा, अब तुम बैठोगी या चलते फिरते तुम्हारी तस्वीर बनाओ? ओके। ये अच्छी वाली शक्ल को बुरा क्यों बना रही हो? अच्छी वाली नहीं है, बस ऐसी है। ऐसी बना दो। हाँ बना दो। यार तुम बुरा। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट सुना, शायद इससे तुम्हारा मूड ठीक हो। That's like a beautiful and good girl, okay? Okay, now keep this mood, okay? मेरे पास और लतीफे नहीं है सुनाने के लिए। Yes, sir. La 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 la। तुमने बताया सबको? कैसे बताऊं, हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसकी आंखों में प्यार और उम्मीद नहीं देखते तुम? वो तो ठीक है, लेकिन बारहवां खिलाड़ी भले मैच ना खेल पाए लेकिन आखिरी बॉल तक एक उम्मीद से हुआ करती है उसकी आंखों में कि शायद शायद कोई मौजा हो जाए, शायद कोई ऐसा चांस बन जाए कि उसे खेलने का मौका मिल जाए। ठीक है फिर। बाबा दुआ कीजिए कि नेक्स्ट में जो कैंप लग रहा है ना पाकिस्तानी टीम का, तो मेरा नाम आ जाए। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मेरे बेटे का नाम जरूर आएगा। मेरा दिल कहता है पापा कि एक दफा मेरा नाम आ गया ना कैंप में, फिर मुझे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता और आपके बेटे को कलर लगे लगे। कलर लगे मतलब? अरे मामा, पाकिस्तानी टीम में सिलेक्शन के बाद जो ड्रेस पहनते ना पाकिस्तानी फ्लैग वाला, उसका मतलब होता है कलर लगना। हाँ जी, और ये बात मैं आपको कई दफा पहले भी बता चुका हूँ। ना खुश है ना? अल्लाह इसे हमेशा इसी तरह खुश रखे। पर कितना दुख होगा ना उसे जब ये पता चलेगा कि बरसों से वो जिस लड़की को अपने दिल में बसाए बैठा है वो किसी और की होने वाली है। वो तो होगा। सब बैठो। घर बात करवाइएगा जरा। सर वो निशा वालों को क्या करूं? कुछ इस कैजुअल पे देख लीजिए, अगर आधा पौना घंटा उनके लिए निकलता है तो निकाल लीजिए। सर लेकिन एक प्रॉब्लम और है। वो हम बाद में करते हैं। जी हेलो। हाँ वो सारा से बात करवाओ जरा आप। जी अंकल प्लीज आप होल्ड कीजिए।